मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि वह प्रतिदिन वृक्षारोपण कर रहे हैं, नीति जो पहले से ही बनी है, टीएनसीपी मानचित्र सुकृत करते हर भूखंड के सामने दो पेड़ लगाने की अनिवार्यता मानचित्र की दाखिले में देती रही। सन 2001 में यही कॉलोनी की भवन अनुज्ञा जारी करते हुए ये बंधन कारक रखी जा रही है। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी द्वारा मुख्यमंत्री जी से सवाल में यह पूछा गया कि सरकार अब निजी भूमि पर लगे 53 प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से 1 जून 2015 को मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से सचिव प्रशांत कुमार के हस्ताक्षर से जारी कर नकली पत्र जिसमें अधिसूचना F3082002 व 16 मई 2005 को अधिसूचित करते हुए जिन 53 प्रजातियों को निजी भूमि पर उगाई है उसको मध्य प्रदेश के अंदर टीपी परिवहन व अनुज्ञा की आवश्यकता से मुक्त करने का पत्र जारी हुआ है। इस नकली पत्र से खंडवा रोड इंदौर आदि जिले में कारनामे हुए हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि क्या कार्यवाही हुई। एक तरफ वृक्षारोपण के नकली आंकड़े आपके पुराने कार्यकाल से चर्चित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक वृक्षारोपण कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब नए जो भी नक्शे होंगे पास उस पर दो पेड़ लगाने के लिए अनिवार्य नियम बना रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जानकारी में ही नहीं है कि ये नियम शुरू से ही बने हुए हैं। सन 2000 में और 2001 में, इसके बाद भी कालांतर में जब भी टीएनसी से किसी कॉलोनी का नया मानचित्र स्वीकृत हुआ होता था उसके दाखिले में स्पष्ट लिखा रहता था कि हर प्लाट के सामने आपको दो पेड़ लगाना अनिवार्य है। नगर निगम के मानचित्र में स्वीकृति के बाद भी ये नियम चलन में है। मुख्यमंत्री जी हैं, हो सकता है जानकारी में हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज़ उनकी जानकारी में तो अवश्य होना चाहिए कि उन्होंने एक नियम बनवा दिया अभी कि 53 प्रकार के पेड़ अगर आपकी निजी ज़मीन पर है तो आपको वन विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से काट दोगे।